नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज जिले में रामपुर तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। हाथरस और बलरामपुर की बेटी के लिए युवा कांग्रेस के रामपुर करछाना में कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में हुए मार्च में अल्पसंख्यक अध्यक्ष शहजादुल हक, विधानसभा अध्यक्ष अमजद अंसारी, एससी एसटी अध्यक्ष नरेंद्र, आदिवासी प्रभारी प्रांजल केसरवानी, फैजल ब्लॉक अध्यक्ष सैफी, रोहित कुशवाहा, अमन आदि सैकड़ों युवा रहे। युवाओं में इस सरकार को लेकर नाराजगी है। साथ ही कल राहुल गांधी के हाथरस जाते समय पुलिस अधिकारी द्वारा की गई बदतमीजी की युवाओं ने निंदा की। अपराधियों को रोकने की जगह नेताओं को रोकते हैं। प्रयागराज जिले से सोहेल अकरम की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। कुछ दिनों पहले बहुत ही दरिंदगी के साथ हम सब की बहन एक निर्भया की तरह उसका रेप कर दिया जाता है, मनीषा का, जो कि हाथरस की रहने वाली थी। पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है जब वो अस्पताल में दम तोड़ देती है। सही इलाज न मिल पाने के अभाव में घर आती है वापस, तो उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता है घर वालों को, और ले जाकर के शव को जला दिया जाता है पेट्रोल डाल करके। आप सब देखिएगा, इसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने यहाँ रामपुर में कैंडल मार्च निकाला है, श्रद्धांजलि दी है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं हाथरस और बलरामपुर में जो भी इस घिनौने कार्य को किए हैं उनको फांसी किया जाए। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और लगातार हो रहे बलात्कार को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस्तीफा दे और ये भाजपा की सरकार जो लोगों के विरोध में काम करती है, जिसमें अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता मार खाती है, वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। आप अपना परिचय बता दीजिए। जिलाध्यक्ष हुआ कांग्रेस प्रयागराज।